तो जी सुबह के 8:45 बज चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द न्यू व्लॉग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो घर के मेन सदस्य है, वडील हमारे, दादा पापा, रेडी हो चुके हैं लाइनिंग वाला शर्ट पहन के। वो हो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार है, जीवन एक प्रतिध्वनि है। हाँ, यहाँ सब कुछ लौट कर वापस आता है। बहुत फाइन। सच झूठ सभी वापस आता था। ओके पापा, वेरी गुड सुविचार। ओके ठीक है। तो ये आज तैयारी वैयारी हो रही है हेजू के स्कूल पे जाने की। गाइस, हेजू के स्कूल पे ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो पापा और सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और यहाँ पे हमारे सारिका जी भी बहुत बढ़िया मात्रा में बना रहे हैं पुडला। कल के वीडियो में गाइस इतने सारे कमेंट आए, 500 से भी ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। सजेशन मांगते हैं ना तो लोगों को एक्साइटमेंट हो जाता है कि ये करो वो करो ये करो। बहुत थैंक यू सो मच, हमको अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे नुस्खे दिए हैं आप लोगों ने गले के लिए। बट लेकिन आप देख सकते हो मेरे गले पे इधर है ना, थोड़ा ऐसा हो गया है, थोड़ा ऐसा फूल गया है, उसको लिम्प बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है, अभी मैंने गूगल किया, उसमें लिखा था, डोंट वरी अबाउट। लिम्प क्या होता है? पर गले के ऊपर सूजन होने, उसको लिम्प बोलते हैं। गूगल को सब कुछ बताने, आप गूगल के ऊपर चलती है क्यों? गूगल ऐसा है कि हम गूगल मैप पे जा रहे होते हैं ना, देखना गूगल ऐसी जगह पे हमें रख के छोड़ देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इधर जाए या उधर जाए। बात तो सही है, पूरे डिपेंडेंट बात तो सही है, थोड़ा बहुत रो लेकिन पूरे मत रो। ओके चलिए, एनीवे गाइस एंड गर्ल्स, अभी भी गले में दर्द तो बहुत, मतलब गले में इधर सेंटर में दर्द नहीं हो रहा है जो यूजुअली होता है ना सब लोग को, थ्रोट इन्फेक्शन ये वो, इधर मेरे को साइड पे, दोनों साइड पे हो रहा है, तो आई डोंट नो। बट एनीवे डॉक्टर ने कल कैमरा डाला था ना, तो ज्यादा अंदर नहीं डाला था वरना मैं देख लेती, थोड़ा सा ही डाला गले में अंदर। कैमरा वो ले लियो ने? नहीं लेना है तू यार। चलिए आज का प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारे घर पे बनने वाली है गणपति दादा की बहुत बढ़िया सी प्रसादी, और वो दिल से सारिका जी कुछ नया इन्वेंशन करने वाली है। तो क्या नमकीन लड्डू बनाने वाले हैं। रोज को सब लोग जो लाते हैं ना वो स्वीट ही लाते हैं, बाद में बच्चों को हम खिलाते हैं ना तो बोलते हैं नहीं उसको मत देना, उसको सर्दी हो जाएगी। वैसे वेदर पे ऐसा है तो सबको बच्चों के देना अच्छी बात नहीं। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो बाद में मुझे याद आया चलो मैं नमकीन लड्डू बना लेती हूँ। नमकीन लाडवे कैसे होते हैं, किस मतलब कौन सी चीज से बनने वाले हैं? बटे कैसे, मतलब बटे का वड़ा। बहुत बहुत बढ़िया, खतरनाक वाला गंदा सा चोक मार दिया। वैसे ही होता है, मास्टर शेफ में जाओ ना रेसिपी वो ही होती है, लेकिन नाम इतना बड़ा दे देते ना, हमें लगता है वो क्या चीज। इससे अच्छा तो वड़ा पाव बना दे, इसको डाल के खा जाऊंगा बीच में। वड़ा पाव नहीं डालना है क्योंकि वड़ा पाव में क्या होता है कि बच्चे लोग को पाव जाए, उससे अच्छा तो मैं छोटे छोटे वो बटाका वड़ा बना दूंगी ताकि सब बच्चे अपने। ओके दैट्स अ गुड प्लान। चलिए तो पापा क्या लपेट के आए? ये टोसे, ये बिगड़ उसको देखो, उसके ऊपर कुछ लगभग नहीं गया है, कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा आपको एक चीज देता हूँ, आ जाओ। लाइनिंग वाला शर्ट पहन के आपको ये माला देने में आ रही है, ये माला दिखाने की है आपको, एंट्री होती है जो के स्कूल का वो नाम बाम है, तो वहाँ जगह दिखा देने का। ओके ठीक है, एंजॉय करो ग्रैंड पेरेंट्स डे। ओके मम्मी, अरे हेजू लकी है। हेजू लकी क्यों है? हाँ लकी इसलिए है, उनका ग्रैंड पेरेंट्स जा रहा है। तो सब बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स ही जाता है, किसी को नहीं होता वो, उसके नानी नाना को जाने का, लेकिन हम है इसलिए लकी है। हाँ ऐसे लकी है। तो फिर वेरी गुड, थैंक यू, जाओ एंजॉय करो। ओके और वहाँ पे जाके ऐसे अपना हेजू का नाम रोशन था ऐसा काम करने का। वो लोग आपको डांस करवाएंगे, डांस करने का। घर की महारानी रेडी हो चुकी है। मम्मी कितने एक्साइटेड हो आप? ले स्कूल पहली बार हूँ, जो जाओ पहली बार। वो तो मेरे को पता है, मुझे जाओ तो एक बार मैं कह दू तू ले मैं कह दू तू मारे एक बार तार स्कूल जो आऊ से जो। हाँ जो बा आवा दे बद्दा ने हाँ। तो ऐसा करेंगे, पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज का आपका साड़ी का लुक जो है जो वो बहुत अच्छा है। ये साड़ी को क्या बोलते हैं, अजरक? अजरक नहीं, कॉटन है ना, कॉटन है ना, कॉटन है। तो उधर डांस वांस करवाएंगे ना, तो करने का शर्माने का नहीं। अबे अपना गोल्डन डांस कोई नो करावे, हाथ पग भांगला हो या कौन डांस करावे। एक्टिविटीज कराएंगे। अच्छा एक्चुअली उन लोग को भी पता रहेगा कि ये बूढ़े लोग हैं सब, तो कुछ हो जाएगा तो हम पे आएगा। उन लोगों का क्या होता है कि आप थोड़े पार्टिसिपेट हो ना, तो बच्चे भी आपको देख के थोड़ा पार्टिसिपेट हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए। हाँ हमने आवड़े वो हमने बोल। चप्पल पहन के जाने का है क्या? नहीं चप्पल सफा किया ना। अच्छा यूनिफॉर्म पहरे ना छोकरा स्कूल ले जाए हम पहरे। हाँ पापा आप एक्चुअली में वो स्कूल वाले प्रिंसिपल, आपको देख के कोई प्रिंसिपल नहीं समझ लेगा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना।
अच्छा पता, चप्पल ऐसा सूट नहीं हो रहा है, निकाल दो उसको, चप्पल को रख दो साइड पे, और ये जो है ना उसको ऐसे बराबर रखो यार पापा आप, है ना, ऐसे एकदम परफेक्ट रखने का, ऐसा आप लग रहे हो प्रोफेशनल। कोई बात नहीं, एंजॉय। अभी मम्मी और पापा को कैसा लग रहा है, पहले आपके स्कूल में आते थे पेरेंट्स मीटिंग में, अभी ग्रैंड पेरेंट्स में जा रहे हैं। हाँ, इन लोग को तो दो दो स्कूल देखने को मिल गई भाई, वाह, हमारी भी देखी और एजो की भी देखी। तमारी मोटी स्कूल हती एना करता मोटी यार तमारा छोकरा रे स्कूल। हां वो तो है। तो गाइस ऑमलेट जैसी पुडली बन रही है, इसको एक्चुअली में दो देखे ना रील्स में आता है, पता है ऑमलेट बनाते है वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है। तेरे को भी यहां कुछ काट गया देख। मुझे ज्यादातर कनिष्क ही काटता है, उस नाखून रात भर ऐसे करता रहता, नाखून मैंने कट कर दिए तो भी अच्छा पड़ा रहता, आपका रख दिया फटाफट ठंडा हो जाएगा। ओके खा लीजिए, चलिए ब्रेकफास्ट इज रेडी, दवाई भी पीने की है। तो आप लोगों का दिन अच्छा रहे ऐसी हमारी दुआ है पापा, और बहुत एंजॉय करो, और आके फिर बताना कैसा एंजॉय किया। थैंक यू। पापा को मोजे चाहिए, ये डब्बो बास्केट भरू नीचे, पूरा बास्केट भरेला है मोजे के। मतलब वो तो पापा कब से मोजे ही ढूंढ रहे हैं। मम्मी तू है ना रिव्यू देना, मेरी स्कूल अच्छी है कि हेजू की स्कूल अच्छी है, आई मीन ठीक है अच्छी है बराबर। हां खूणा खूणा धो ले सारी कंजम, वहां पे खाना भी खा के आना है तो वो भी खा लेना, आपको पता चले बच्चों के साथ ही खाना देंगे तो। हां हेजल के साथ ही आपको खाना। हां आज तुम्हारा लंच वहां पे होगा। हां ओके, वो हेजल खौड़ा भी नहीं, पौष्टिक आहार मिलने वाला है स्कूल पे। चलिए blue water sea, afraid of jumping in right now, right now. I'm better than in a song, 걱정이 많이 있어. I'm just a bit of love, man. Just a little touch, yeah. चलो तो finally मम्मी और पापा आ गए हैं मीटिंग से, मतलब डे से। आज जो सेलिब्रेशन था वहाँ कैसा रहा मम्मी आज का दिन? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एंजॉय किया आप लोगों ने? नाच करवाए ने, हमने गेम रमाड़ी। हां रेजुए ने कैसा डांस किया? अच्छा किया, मस्त किया, लिदो वीडियो है। ओके, खो-खो नहीं गेम रमाड़ी, खो-खो नहीं। तो आप तो फर्स्ट ही आए होंगे पापा? ना ना नहीं आए। लो क्यों नहीं आए पापा? लास्ट में तो आगे पीछे जो हुए वो बैठ जावे तो क्या करे, वैसे भी उम्र के हिसाब से ज्यादा दौड़ नहीं सकते ना। दौड़ने की बात नहीं है, धीमे धीमे चलता था, स्टॉप कर दे वहाँ कुर्सी आगे की अभी तो वो बैठ जावे। हाँ। तो अपन रह गया संगीत कुर्सी जैसा। बस याने स्कूल ना हॉल मा याना रूम स्कूल क्लास मा क्लासरूम मा। हां એટલે वो तो नानो होय ना। हां नानो होय, हां क्लासरूम मा जाओ। ओके, वैसे मजा आया ना? क्या खाया क्या आपने? पूरी खाया, गुलाब जामुन खाया, दिया गुलाब जामुन, वाह दाल भात, वाह अच्छा था, स्वाद भाया आप तो अच्छा लगा। सही है, चलो आपने क्या किया पापा वहाँ पे? मैंने तो पपम खाया, पपम खाया, फ्रूट खाया, और सर मैम के साथ बातें की कुछ? हाँ बात किया ना सब कह रहा। तो एजू के बारे में क्या बोल रहे? अच्छा बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, क्या कर रहे? कंप्लेन कुछ नहीं किया, कंप्लेन नहीं है ना, वखाण कर रहा, वखाण। स्पेशल आया एजू, खाते थी ना फोटो पाड़ो मार त्रणे नो, पछी के एजू बहु होशियार छे। तू बा दादा आगे बैठे थे या पीछे बैठे थे? दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में, फर्स्ट के सेकंड। ओके, तो तूने तो देख लिया होगा ना बाबा दादा, पहला में पहुंच गया था तागल दृश्य ने, कोई ना तो पहली गाड़ी हमारी थी। लेकिन आप ज्यादा जल्दी पहुंच गए क्योंकि धूम नहीं थी स्कूल, इसीलिए ज्यादा जल्दी निकले। पर हमें बड़ी स्कूल आखी जोई थी। केवी लागी मम्मी? बहुत मस्त से, मस्त छे ने, सारी छे। सही है, चलो इसको चॉकलेट मिल गई है। सही, चलो अभी खाना खाना है या खा के आई तू? और क्या है? नो खा दू ने, ये ने गम्मे એટલા ઈ કેમ મને સેન્ડવિચ બપ સવારે સેન્ડવિચ ખાધી સેન્ડવિચ ખાધી સુબે સુબે ખાય બતાય અચ્છા 10 સેન્ડવિચ ખાય ઓર એક કિટકેટ ખાય 10 સેન્ડવિચ ખાય તો સ્કૂલ મે કમ નહીં પડી ના ચલો તો સુબે સુબે હમને બતાયા થા કે હમારે ઘર પે પ્રસાદ બનને વાલા હે बटाका वड़ा। वैसे बोला जाता है, कमेंट आई थी कि प्रसाद से पहले वो क्या बोले हैं,
सामग्री बोली जाती है, प्रसाद का मतलब भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, लेकिन हमारे पहले से टेव पड़ गई है कि हम लोग पहले से प्रसाद ही बोल देते हैं, तो वो है तो है, चलो कोई नहीं। तो बटर कावड़ा अभी दोपहर के बाद हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने चने का आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक और तेल डाल के हिला के मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे हमारे पोटैटो बॉईल हो गए हैं, धनिया पत्ता कट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने वघार किया है। वघार में मैंने डाला है तेल, तेल में राई, तिल, करी पत्ता, आधी मिर्ची की पेस्ट। वैसे क्या है, जब भी आप बटेर का वड़ा बनाओ ना, तभी वैसे ही ना मत बनाना, वघार करके बनाना तो ज्यादा टेस्ट निखर के आएगा। मैं पहले वैसे ही बनाती थी, लेकिन एक बार मैंने वघार करके बनाया ना तो ज्यादा अच्छा लगे। मैंने हार्दिक भाई अपने कॉलेज के आजू बाजू में गणपत का गोटा, हाँ ऐसा कुछ है, वहां पे मैंने खाया था ना, तब वो तिल वाला था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो तब से मैं तिल भी डालने लगी हूँ, तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। बाद में तो नॉर्मल हमारे जो रूटीन मसाले, धनिया और शुगर, थोड़ी नींबू और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, वैसे तो बहुत ही इजी है, लेकिन आज मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी नहीं दिखा पाई, नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करूंगी। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे नए व्यूअर्स के लिए और जो व्यूअर्स को नहीं आती है उनके लिए। 3 hours later यहाँ पे होम स्कूलिंग स्टार्ट हो चुका है। कनिष को इतना मजा आता है, कनु नाई नाई केम कराए बताओ तो। कैसे नाई नाई? नाई नाई कहाँ पे है? दीदी शू करे छे? वो क्राइंग कर रही है। ठीक है गाइस, तो ये चल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि होम स्कूलिंग जो होती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट स्कूलिंग होती है। बच्चों को जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उनको जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो कहीं पे भी, घर के अलावा कहीं पे भी नहीं सीखा जाता है। तो अभी आज एजू का ग्रैंड पेरेंट्स डे था ना, तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के लिए इतने सारे हमारे फैमिली ग्रुप में अच्छे अच्छे बातें हो रही है कि ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नीरो मामा ने भी बोला कि ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उन लोगों के साथ जो वैल्यूज़ आपको मिलती है फैमिली के अंदर, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक गॉड के हेजू हमारे छत्र छाया में और मम्मी पापा की छत्र छाया में अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। एनीवे सारिका जी, हाँ जी, अभी आपने जो सवेरे सवेरे बोला था कि आप नमकीन लड्डू बनाने वाले थे, वो बन गए क्या? बन गए, अभी फ्राई करने ही बाकी है, बाकी सब कुछ, चटनी भी बन गई, वो बटेका वड़ा का मावा भी रेडी करके बॉल बना के रख दिया है, चने का आटा भी डो के रख दिया है, तो सिर्फ फ्राई करना बाकी है। 7 बजे आरती होगी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 6:30 बजे फ्राई करना चालू करेगी, तो आधा घंटे में तो हो ही जाएगा। ओके वेरी गुड। अभी मेरे गले का अपडेट यह है कि मुझे दर्द होना बंद हो गया है, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ वो हो रहा है फीलिंग, वो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ये थायरोडिटिस करके एक वो क्या बोलते हैं, थ्रोट के आजू बाजू में ग्लैड आता है, उसके अंदर थायरोडिटिस करके एक चीज़ आती है, उसके अंदर एक कुछ पॉइंट आता है जो बड़ा हो गया है, वो 3 mm होता है, उसकी जगह पे 5.1 mm हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। और 2-3 और चीज़ें हैं इस साइड और इस साइड जो ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी एक और रिपोर्ट बाकी आने के लिए, वो रिपोर्ट आ जाएगा ना तब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। बाकी हमारे जीजा जी जो है ना, कौशल धड़ुक, उनको एकदम डिटेल में पता चल जाता है कि मेरे को क्या है, तो 3-4 रिपोर्ट एक साथ करवा डाले, ब्लड के ये वो सब, तो देखते हैं अभी क्या आता है। पार्ले जी वाली चटनी होगी ना सारिका जी? नहीं पार्ले जी अभी थोड़ी मैं डालूंगी, आपने एक बार बोला मुझे नहीं अच्छी लगती तो अभी मैं नहीं डालूंगी। मेरे लिए तो यही नहीं, वैसे मैं तो खाने ही नहीं वाला हूँ। नहीं तो भी नहीं डाले, आपको नहीं अच्छी लगती तो किसी को मुझे लगा नहीं है। इसमें तो मैंने पोटैटो डाला है, ये तेल में ग्रीन ग्रीन आया है कुछ ऊपर, वो करी पत्ता है, करी पत्ता डालने का फिर वघार करने का? नहीं वो तेल वाटकी में लिया था ना, उसमें करी पत्ता रह गया था तो वो उसमें डाला जी दीपा। ओके मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ, पता नहीं चल रहा है। एनीवे ये गोटे दिखा दो कितने बनाए हैं। जय गणपति बापा, वाह भाई वाह, हमारी सोसाइटी के मेंबर्स जितने हैं ना उसे इंटू टू किए हैं ये नमकीन ना, उससे भी थोड़े ज्यादा है, ऐसा नहीं है बच्चे लोग का नक्की नहीं है अच्छा लगा, वैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, बच्चे लोग का नक्की नहीं है, खा जाते तो, तो ये अच्छा जो है ना एक्चुअली में ये वड़ा पाव के जो हम लोग क्या बोलते है आलू के जो बनाते हैं ना वो, लेकिन वघार करके कराया वो मैंने आगे आपको बता दिया, और ये इतना बचाया है अगर हो सके तो रख देंगे, वरना आपके लिए आलू पराठा बना दूंगी। ओके वहाँ मेरे लिए आलू पराठा ही बनाओ, मेरे को ऐसा ही चलेगा, ऐसा ना बोला है डॉक्टर ने एक्चुअली। तो गाइस मैंगो जूस की तरह मस्त एकदम चने का आटा का बैटर रेडी हो चुका है यहाँ पे,
कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कंसिस्टेंसी कुट कुट के, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम लिस्सा बनना। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है गाइस, अब ये बहुत बढ़िया मात्रा में यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट होता है वड़ा बनाने का प्रोसेस। सारिका एक्सपर्ट मास्टर शेफ इंडिया। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जब भी भगवान को कुछ भी हमारे घर पे बना होता है ना, वो हम टेस्ट नहीं करते, पहले भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन हमें टेस्ट नहीं करेंगे, अगर नमक कम हुआ या ज्यादा हुआ, कुछ भी हुआ, तो भगवान को तो ऐसे ही खाना पड़ेगा ना। सही बात है। तो थोड़ा अलग, वैसे झूठा हम नहीं खाना ना डालना है, लेकिन थोड़ा टेस्ट तो बनता है, वैसा नहीं है? बनता है, बनता है, सही बात है। चलिए, ये डीप फ्राई होने का स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, एकदम डीप फ्राई, क्योंकि ये ऑयल का है ना जो वो है, कम आया है। तो जी, रात के 7:45 बज चुके हैं और यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और घर की औरतें सब लोग रिमोट ढूंढने में लगे हैं। हेजू जी जो है ना, जो इतनी नटखट है, रिमोट छुपा के चली जाती है। तो फोन करो, रिंग वागे जरूरत करो, है ना मम्मी? हमारे रिमोट खोवाई जाए, तो टीवी का रिमोट के अंदर ऐसा कुछ डालने का जरूरी है वहाँ पे, खोवाई बता रहे। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो मम्मी क्या करेंगे उसका अभी? ये जो गई वह खबर नहीं। एनीवे, कैसा रहा तुम्हारा गणपति दादा की पूजा? बहुत मजा आई बदन। अच्छा रहा, प्रसादी का वखाण हुआ? खिलाए तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले, तो ब्लेसिंग में यही मांगा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, बस हो जाएगा। तार जब शर्मिलन ताव आयो तो ने, एने हारू थई गयो, ए काल नी के मन कई खावन मन थियो, कई खावन मन थियो, ते के सारिका केम ने थई आवी, हालो आरती कर लई। ते मैं कीधु ई बटाटा वड़ा तळे छे, ते संगीता के हूँ लई आवते, ओली के लेऊ दोड़ दोड़ दवा पियो भूछा पेटली। ताव आयो ते आज ई खाधा ले, तने आशीर्वाद आप्या छे के हारू था सारिका, मने संतोष थयो, आज खाधी बटेटा वड़ा खाधी। वाह भाई वाह। वो बीमार थे तो कुछ अच्छा वाला, मतलब कि खाने का मन हो रहा था लेकिन वो खा नहीं पा रहे, तो आज पावणा बोलते ना, उपवास के बाद पावणा होता है, वैसा वो हुआ। वाह, हां, आके मले ले तो जयदीप ने के जल्दी हारू थई जाए, एवा आशीर्वाद आपी दे। मैं तो सुखी वो, जैसे कि हमारे सोसाइटी मेंबर इतनी दुआ करते, वैसे आप भी करते हो, तो कमेंट बहुत सारे अच्छे से, उसके लिए भी थैंक यू सो मच दिल से गाइस। और मैंने आज ना इंस्टाग्राम में मम्मी स्टोरी रखी थी कि मेरे को जैसा हो रहा है वैसा कितने लोग को हो रहा है, तो 10 में से 8 लोगों ने ऐसा बोला। कॉमन कहवाय, એટલે લગભગ બધાને હોય જ છે, પણ ये तकलीफ थोड़ा ज्यादा है अभी, है ना, गले की तकलीफ सबको ज्यादातर हो रही है। तो प्लीज गाइस ध्यान रखना, सब लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी के गार्गल करो, गर्म गर्म, ये पर गर्म इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, डॉक्टर ने भी बोला पहले थे। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा गर्म करने से छाले पड़ जाते हैं, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी उसका भी ध्यान रखने का, इतना ज्यादा गर्म वो नहीं करने का। बट हाँ, आपके फैमिली डॉक्टर या फिर कोई हो तो उनकी सलाह लेने की। और यहाँ पे अभी भी रिमोट ढूंढने की प्रथा चल रही है, नीचे। रिमोट कहाँ पे रखा है उसको भी नहीं पता है, ये देखो ऊंधा माथे रिमोट ढूंढ रहे नथी, कानो कहीं गयो रिमोट नथी मळतो हवे, खबर नहीं हवे कहीं नहीं। तो आज तेरे को कार्टून नहीं देखने को मिलेगा, तो क्या करेंगे? कानो रसोई बनाओ, चल मैं रसोई बनाओ, ये देखो जो भी जोता था, जो भी करता था, तो अभी मम्मी क्या बोलिएगा आप? जिंदगी में खा पी के जलसा करे बधाई, खा पी के जलसा करे। हाँ, गणपति जेना ज्या होय ने, एने तो बहु मोटा धाम धूम थी उत्सव बधा उसमें उजवे छे। वाह, केवी मजा आवे, कल एक कमेंट ऐसा भी इतला छे तोय कितली मजा आवे छे, वो तो मजा आता है कि कमेंट ऐसा आया था कि लोगों को गला इसलिए दर्द हो रहा है कि अभी गणपति बापा आए है ना, तो सब प्रसाद खा रहे है गड़ा गड़ा। हाँ, ना ना, अपने नॉर्मल ज लईए छे बधा प्रसाद, खबर छे बधा ने। हाँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की बात ना, दूसरों के तो ज्यादा लोग होता है तो लड्डू वाला ज्यादा होता है प्रसाद ने। हाँ, इसीलिए तो ये है गाइज, ठीक है। चलिए, एनीवे, अभी यहाँ पे डिनर बनाने का स्टार्ट कर देगा कनिष्क हमारे लिए। क्या बनाएगा? नूडल्स बनाएगा, बर्गर? ओके, बनाओ बनाओ, थोड़ी देर के बाद अच्छा पका के बनाने का। तो ये वीडियो इधर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो। वी विल सी यू टुमारो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर कमेंटिंग।